न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं रीवा की, जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज के दूसरे चरण के चुनाव में टोकन बांटने के नाम पर फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया था, जिसके बावजूद 4:30 बजे टोकन बांटे जा रहे हैं और राजनीतिक दबाव के चलते फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। जब इस संबंध में स्थानीय लोगों ने पूछा तो अधिकारी भी जवाब देने से बचते नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं पूरी घटना, किस तरह से गंगेव ब्लॉक में फर्जी वोटिंग डालने का मामला प्रकाश में आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। टोकन बांट रहे हैं आप? टोकन बांट रहे हैं? वो टोकन के बाद टोकन नहीं, नहीं आप टोकन बांट रहे हैं? किसके कहने पे बांट रहे हैं आप टोकन? किसके कहने पे बांट रहे हैं? कितना समय हो रहा है? समय बताइए कितना हो रहा है? समय बताइए कितना हो रहा है? 4:45 होने वाला है, आप टोकन बांट रहे हैं? 4:45 होने वाला है तब आप टोकन बांट रहे हैं? पानी गिर रहा तो भाई। नहीं 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 नहीं, आपको कलेक्टर का आदेश आया लिखित में? आपके पास कलेक्टर का आदेश आया लिखित में? कलेक्टर का आदेश है लिखित में आपके पास? मौखिक रूप से आदेश है कलेक्टर का आपके पास? टोकन बांटने का है आदेश? दोबारा है आदेश? क्या है, क्या आदेश आपके पास? आदेश है आपके पास? किसके आदेश से आप टोकन बांट रहे हैं? वोट नहीं डालने दिए तो आप क्या डलवा रहे हैं? जब किसके आदेश से आप टोकन बांट रहे हैं? हौसला आना पड़ा सीधे सीधे। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं करो। किसके आदेश से आप टोकन बांट रहे हैं? किसके ऊपर आपने, किसके, किसका दबाव है आपके ऊपर? किसका दबाव है आपके ऊपर टोकन बांटने की? नहीं, आप अंदर चलिए, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, आपका काम अंदर है, आप अंदर चलिए। ये आपकी संपत्ति है, ये सरकार की संपत्ति है। टोकन नहीं, 3 बजे जितने लोग लाइन में लगे थे तब बन जाता। अब 4:15 बज रहा है, हमको वहाँ पे मना किया गया, हमको वहाँ मना किया गया उस मतदान केंद्र में। नहीं बता, आप जाके देखिए। जितेंद्र पंडित देवेंद्र पंडित बिना वोट डाले गए। जितेंद्र पंडित वो लोग टोकन लेके गए, उसके बाद भी वोट नहीं डाले। भाई नियम तो तीनों जिले का नहीं पड़ेगा। आप लीजिए अपना वो टोकन, लीजिए आप अपना टोकन लीजिए। चलिए आप अंदर, चलिए आप अंदर चलिए। जितना आपने बांट दिया, बहुत बांट दिया, अब नहीं होगा। चलिए अंदर है, वोट डला लीजिए। नहीं नहीं, जिनके पास टोकन उनके पास डलाइए आप। चलिए चलिए, ये गलत बात है। चलिए, नहीं नहीं, रुपया वाली बात नहीं है, ये पद के दबाव में है, ये पद के दबाव नहीं चलेगा। चलिए, सुरक्षा अधिकारी कौन है यहाँ पे? सर सभी मतदाता हैं? सभी मतदाता है ना? एजेंट हैं? एजेंट और मतदाता ही है ना? जी सर, सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में है पूरी, और मतदान की निष्पक्षता इनके हाथ में है, ठीक है ना? आपको नियम मालूम है, आपको नियम मालूम है कि 3 बजे के बाद मतदान नहीं होगा। जो लोग लाइन में लगे हैं उनको आप टोकन देने के लिए ऑथराइज्ड हैं। जो लोग लाइन में लगे हैं 3 बजे तक आप उनको टोकन दे सकते हैं, ठीक है ना? अब बच रहा है 4:45। अगर आपने टोकन बांटने बाहर गए हैं तो आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अब जिसके दबाव में किया है ये आप। कितने टोकन पड़े हैं, कितने मिले हैं? आ जाओ भैया। आपका नाम भाई? हाँ, आपका मोथर विश्वकर्मा। हाँ। अच्छा, आपको ये टोकन अपने हाथ में लीजिए। हाँ। ये टोकन आपको कहाँ प्राप्त हुए हैं? वहाँ पे, वहाँ जो रोड पे बतावा ये रोड के किनारे, रोड से फेंके, रोड के किनारे, रोड से फेंके। और ये 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 भैया लाल विपाड़ा के लड़के अशोक लेके भागे। अच्छा, ये देखिए है ना, ये टोकन किसने फेंका है? अशोक, उन्होंने लेके भागा और फाड़ के वहीं पर फेंका था। हमारे इसमें पूरी पुलिस भी शामिल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पुलिस भी, पुलिस प्रशासन भी पूरा साथ दे रही है वहाँ। अच्छा, क्योंकि अभी एक वो फर्जी वोट डाल रहा था तो वहाँ पे अभी बहस हुई, तो वो फिर से ले गए हैं वहाँ वोट डलवाने गए हैं। नाम क्या है उनका? उनका नाम तो नहीं मालूम। केपी त्रिपाठी, टीआई लौर, टीआई लौर, केपी त्रिपाठी, केपी त्रिपाठी, टीआई लौर। ये देखिए, ये वीडियो चल रहा है, ये टोकन इस तरह से लोग पा रहे हैं अंदर से। ये अंदर है, ये अंदर जहाँ वोटिंग चल रही है वहाँ से ये फेंक रहे हैं। हाँ चलिए, उठ खड़ी हुई जहाँ अपना पान है। चलिए, उनका नाम, उनका नाम बतावा। अशोक मिश्रा, भैया लाल मिश्रा, पोखरा। चलिए, ये जा रहे हैं जहाँ इनको टोकन मिला था। बढ़िया गुरु,
ये टोकन आपको कहाँ यहाँ प्राप्त हुआ है? यहाँ किसने फेंका है? मतलब भैया लाल द्विवेदी के लड़के अशोक द्विवेदी। अच्छा। और ये टोकन फेंक के यहाँ से भाग गए? भाग गए। टोकन दिया जा रहा है ना इस तरह से, मतलब इस तरह से वोटिंग फर्जी हो रही है। टोकन फेंक रहे हैं, उनके आदमी ले रहे हैं, फर्जी वोट डलवा रहे हैं। ये फर्जी वोटिंग हो रही है। अंदर था इसको टोकन, बाद में टोकन निकालने से अभी टोकन दे रहे। मेरा गिर गया था, अभी गिर गया था। अब देखिए, नहीं नहीं तुम जाओ, आप आगे सर रुक जाओ। उसने आप लोग साहब बैठे हुए दिखवाते नहीं, तो देखिए फर्जी लाला कहां से डालता है। टोकन लिया, दस्तखत किए थे, 42 नंबर का टोकन लिया। प्लीज, ये टोकन नहीं है, अंदर में है ना, अंदर था। आप सब था ग्राउंड के अंदर है ना? ग्राउंड ग्राउंड के अंदर कोई आदमी आ नहीं रहा है, तो आप वोट नहीं डाल रहे? सुनो मेरे को ये बताओ, दूर होके खड़ा मेरे से बात कर रहे, बोलिए बहुत उसमें बात नहीं करेंगे, टोकन नहीं देंगे। सुनो मेरी बात, वो उसके अंदर है, अंदर है वो। अरे अंदर टोकन नहीं है तो अंदर से क्या होता है? टोकन लिया है वो है, फोटो है, दिखाइए उसको टोकन किसके नाम का, दिखाओ दिखाइए। नाम नहीं है, टोकन में नाम नहीं होता, ये इसी का नाम है, इसकी फोटो दिखाओ। ये प्रेम प्रकाश रावत है, टोकन में नाम नहीं होता सर। ये मेरे मेरे को बताओ, ये प्रेम प्रकाश है, ये प्रेम प्रकाश है, ये अंदर है, अंदर है। अब क्यों उसको वोट नहीं डालने का? अंदर नहीं है। साथ सुनो, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, फिर आप जो बोलेंगे वो सही है। आप वीडियो हुआ, इसके पास टोकन नहीं था, बाद में इसको टोकन कौन कौन दे सकता है? पीटर सिंह अधिकारी दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। अगर मैं पंचायत में लड़ा हूँ तो मैं बाद में टोकन जेब में डाल के बाद में बात करूंगा 5 बजे तक। आप बताइए, आप यू आर ए गवर्नर कौन? कुछ नहीं, हम जिसके पास जो ये भी अंदर है वो हस्ताक्षर है इसमें टोकन में, टोकन सही है, टोकन सही है। ये टोकन आदिवासी बचा रहा, अगर हम नहीं नहीं अगर हम वोट डालने मना करके वोट ना डाल रहे हैं, नाम बदला था, हम बोल रहे हैं बाहर से दिया गया, बाहर से दिया गया। ये अंदर था ना सर, टाइम में अंदर था, इसका मतलब ये नहीं होता सर।